देख लो कितना ज्यादा गंदगी निकल चुका है एसी से, और यही कारण होता है जो एसी ठंडा हवा नहीं देता है। और आप इसको आराम से घर बैठे हमने आराम से इसको क्लीन कर दिया। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल, कैसे हो आप सब? बढ़िया। तो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने घर का जो विंडो एसी है वो खुद से कैसे क्लीन कर सकते हो, चाहे वो किसी भी ब्रांड का क्यों ना हो। आपको बाहर से किसी को भी बुलाने की जरूरत नहीं है, एक भी रुपया किसी को देने का जरूरत नहीं है। आप खुद से ही 10 मिनट में अपना जो विंडो एसी है वो आप क्लीन कर पाओगे। बहुत ही इजी प्रोसेस होता है, ऐसा नहीं है क्योंकि बहुत बड़ा तामझाम है, आराम से आप कर लोगे। मैं जो प्रोसेस बताऊंगा आप बस उसको सिंपली फॉलो करते रहना। मैंने एक वीडियो बनाई है स्प्लिट एसी को भी क्लीन करने की, तो अगर स्प्लिट एसी भी है तो उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप स्प्लिट एसी भी क्लीन करना बहुत इजी सीख सकते हो खुद से। सो जो प्रोसेस है अगर आपको थोड़ा भी यूजफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, एंड जिनके घर में भी विंडो एसी है प्लीज उनके साथ शेयर जरूर करना। तो मेरे पास जो एसी है वो यहाँ पे कैरियर का है, एंड जैसा कि मैंने आपको बताया आपका एसी किसी भी ब्रांड का क्यों ना हो वो आप आराम से क्लीन कर पाओगे। सबसे पहले आपको मेक श्योर करना है कि आपका जो एसी है वो आपका इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई से डिस्कनेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट आपको यहाँ पे जो एसी का ये वाला जो कवर है ना, आपको इसको ओपन कर लेना है। सारे विंडोज एसी में जो इसको ओपन करने का जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। जैसे कि इसमें अगर आपको ओपन करना है तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, आपको सिंपली इसको पकड़ करके खोल दोगे ये खुल जाएगा। अगर आपको किसी में होता है कि इसको आप ऐसे करके ऊपर करोगे तो ये ऊपर की तरफ चल जाएगा, मतलब कि यहाँ पे शेप दिया हुआ रहता है, ये देखो इस तरह का बना हुआ है ना, मतलब इसको आपको यहाँ से पकड़ के खोलना है। तो इसको मैं जल्दी से खोल लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने जो अपने एसी का जो ढक्कन है वो यहाँ पे ओपन कर लिया है, और यहीं पर देखो कितनी सारी गंदगी है। और वहीं अगर मैं यहाँ पे इसके फिल्टर को दिखाऊं ना, तो भैया छूने का मन तो नहीं कर रहा है, देख रहे हो कितनी ज्यादा डस्ट है। मतलब ये एक प्रॉपर नेट होता है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे नेट तो दिखाई नहीं दे रहा है, बिकॉज यहाँ पे जो गंदगी का जो चादर है ना, वो चादर नहीं गद्दा बिछ गया है। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, आप यहाँ पे देखोगे ना, आप कोई भी एसी क्यों ना हो, सब में आपको कुछ इस तरह का यहाँ पे फिल्टर में आपको पकड़ने का सेक्शन मिलेगा। आपको सिंपली इसको इस तरह से पकड़ना है, और यहाँ पे आपका ये हुक का जो होगा उसको आपको ऊपर करोगे और ये आपका जो है ये डिटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी ज्यादा गंदगी यहाँ पर है, और यहाँ पे देखो अंदर जो है वो उतनी ज्यादा गंदगी नहीं होती है, मेन गंदगी जो होती है वो इसी में होती है। तो अब इसको क्या करना है, इसको हमें क्लीन करना है। क्लीन कैसे करना है उसको भी आपको ध्यान से करना है, बिकॉज ये नेट जो है वो फटना नहीं चाहिए। तो क्लीन कैसे करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसको साफ करने के लिए आपको चाहिए पानी का प्रॉपर प्रेशर, और आपको चाहिए एक टूथब्रश। अब आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपने जो घर का टैप है आपको इसको ओपन करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे ही हमने टैप ओपन किया, जो गंदगी का जो ये मोटा वाला लेयर है ना, ये देखो ये जो लेयर है ये हटना शुरू हो चुका है। अब इसी तरह से हमें यहाँ पे पानी को गिराते जाना है, और यहाँ पर आपको अपना जो ब्रश है ना उसको इस तरह से चलाते जाना है। मैं एक सेक्शन यहाँ पे आपको ये देखो ऐसे साफ करके दिखा रहा हूँ, ये देखो कितना मोटा लेयर यहाँ पे जो है वो यहाँ पर था। मैं आपको एग्जांपल के साथ दिखा दे रहा हूँ, ये देखो एक जो सेक्शन है वो हम यहाँ पे साफ कर दे रहे हैं, एंड उसके बाद आपको उसी तरह से सारा सेक्शन साफ करना है। इसको खाली साफ करने से काम नहीं चलेगा, आगे भी प्रोसेस है वो भी आपको फॉलो करना है। ऐसे ना कि आप ये देखो और वीडियो स्किप करके आगे बढ़ जाओ तो फिर आपका साफ नहीं होगा। अब यहाँ पे आप इसको एग्जांपल से देख सकते हो, इसके आर पार तो आपको कुछ घंटा नहीं नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये कितना ज्यादा डिफरेंस यहाँ पे आ चुका है। और कचरा देखो कितना ज्यादा कचरा नीचे है, तो समझ लो सिर्फ एक सेक्शन से इतना कचरा निकल रहा है। और ये क्लीन करना क्यों इम्पोर्टेंट होता है, बिकॉज जो आपका एसी हवा फेंकता है ना वो यहीं से हवा लेता है, तो जब यही आपका बंद होगा तो रूम क्या घंटा ठंडा होगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको ये जो सारे के सारे सेक्शंस है ना आपको इनको अच्छी तरह से क्लीन कर लेने हैं। तो एक लाइन हमारा यहाँ का पूरा क्लीन हो चुका है, और आपको जो ब्रश चलाना है वो आपको दोनों साइड से चलाना है ताकि ये जो है वो अच्छी तरह से प्रॉपर क्लीन हो जाए। और एक चीज आपको और ध्यान देना है, ब्रश को ज्यादा जोर से नहीं रगड़ना है, बिकॉज यहाँ पे ये जो आपका जो सेक्शन है ये फट भी सकता है, तो उसका भी आपको ध्यान देना है। आप सॉफ्ट हाथों से चलाओगे तो भी ये क्लीन हो जाएगा। नीचे का पोर्शन देख लो कितना ज्यादा गंदा है, तो भैया पूरा आप साफ कर ही लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा ये जो फिल्टर है वो किस तरह से एकदम चमचमा रहा है, पहले देखो कैसा लग रहा था और अब देखो जमीन आसमान का फर्क है। तो ये दो फिल्टर हमारा साफ हो चुका है। अब इसको डायरेक्टली आपको इंस्टॉल नहीं करना है, पहले आपको इसको कुछ इस तरह से यहाँ पर पानी को जो है वो प्रॉपर झाड़ देना है,
और उसके बाद यहाँ पे अब आप इसको थोड़ी देर सूखने के लिए रख दो। आगे का क्या प्रोसेस है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सिर्फ फिल्टर नहीं साफ करना होता है, एसी का जो फ्रंट सेक्शन है उसको भी आपको थोड़ा साफ करना पड़ेगा। अब जो नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ पे आपको एक मग लेना है और आपको अपने ब्रश को ले आना है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे ये जो आपका ये जो लोहा जाली वाला स्क्रीन होता है ना, इसमें भी बहुत हद तक जो मट्टी है वो लगी हुई रहती है। अगर आप क्लीन करोगे तो देखो यहाँ पे ऐसे ऐसे करके निकलने भी लगेगी, बिकॉज ये भी एक रीजन होता है ब्लॉकेज का। देखो हम जैसे यहाँ पे करते जा रहे हैं ना, ये देखो मट्टी निकल रही है ना यहाँ पे, ये देखो। तो इसको आपको अपने मग में निकालते जाना है, मतलब एक लेयर ऐसे करके मारो, ऐसे करके साफ करोगे बहुत फर्क पड़ेगा, मतलब कि कितना ज्यादा गंदगी होगा आपको आइडिया भी नहीं है। तो जब आप करोगे ना तब आपको समझ में आएगा। जैसे हम लोग करते जा रहे हैं देखो गंदगी जो है वो यहाँ पे निकलती जा रही है। तो इसको अपने मग में साफ करना है और उसी तरह से ये जो पूरा लाइन है ना, एक एक करके एक लाइन पैटर्न फॉलो करिए आप। एक साथ घुमा घुमा कैसे से करोगे तो नहीं होगा, तो पहले एक एक सेक्शन करो, ऐसे करके पूरा सेक्शन लो। एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ध्यान देने का है ना कि यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ब्रश को प्रेशर नहीं देना है, बिकॉज अगर आप ब्रश को प्रेशर दोगे तो ये आपका जो अंदर का ये वाला जो सेक्शन है ना, ये टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है। तो इसको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, बहुत ज़्यादा गंदगी इसमें से भी निकलती है। अगर आपको दिखाऊँ, ये देखो जब भी मैं साफ कर रहा हूँ कितना ज़्यादा गंदगी निकल रहा है। तो ये इसको आराम से आपको बहुत हल्के हाथों से, सॉफ्ट हैंड से आपको इस वाले का जो सेक्शन है ना इसको आपको क्लीन करना है। बिल्कुल भी प्रेशर नहीं देना है, मतलब अगर आप हल्का फुल्का नेट में प्रेशर एक बार के लिए दे दोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। इस पर आपको बिल्कुल भी जोर का प्रेशर नहीं देना है। आप जोर का प्रेशर जहाँ दोगे आपका ये जो सेक्शन है ना ये टेढ़ा हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, एकदम हल्के हाथों से करते चलो। ये देखो हर बार में कितनी ज़्यादा गंदगी निकल रही है। तो जो एसी साफ करने का जो प्रोसेस होता है वो बहुत ईजी होता है। हम लोग फालतू का जो है वो इतना ज़्यादा पैसे देते हैं बाहर से किसी को बुला करके, इतना आपको ज़रूरत नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है कि आपको बाहर से कभी भी नहीं बुलाना है। एक बार आप अपने से कर लो, एक बार आप बाहर से बुला लो, या फिर दो बार आप अपने से कर लो, एक बार बाहर से बुला लो, उससे आपका काम आराम से हो जाएगा। तो ये वाला जो सेक्शंस है वो आप देखो आराम से क्लीन हो गया। कौन सा टाइम लग गया? अब इसी के लिए अगर आप किसी को बाहर से बुलाओगे तो आपको ख़राब से ख़राब भी नहीं तो 500 रुपये 400 रुपये आपको इजीली देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी अगर पानी को दिखाइए, पानी देखिए कितना ज़्यादा गंदा हो गया। अभी तो जितना मैं हल्का फुल्का ही साफ़ कर रहा हूँ ताकि आपको दिखाने के लिए। इसको आपको इसी तरह से प्रॉपर साफ़ कर लेना है। जितनी भी चीज़ें हैं ना उसको एक बार आप अच्छी तरह से पोंछ लो, बिकॉज गंदगी जो रहेगी ना वो वापस मशीन के अंदर ही जाती है। तो सारी चीज़ों को आपको इसको हल्के हाथों से साफ़ कर लेना है, बिकॉज गंदगी जो होती है ना वो प्रॉपर इनके अंदर घुसी रहती है। इनके अंदर गंदगी घुसी रहेगी तो हवा नहीं आएगा। तो ये जो एरिया जो है ये पूरा क्लीन होना चाहिए ताकि एयर फ्लो जो है वो बिल्कुल फ्री रहे। तो यहाँ पे जो भी सेक्शन है वो हमारा मेनली क्लियर हो चुका है। हालांकि इसमें प्रेशर आपको नहीं देना है, मैं बार बार दिखा रहा हूँ। देखो कितना ज़्यादा गंदगी यहाँ पर भी है। तो इस पानी को आपको फेंक देना है और अब देख लेते हैं जो हमने फिल्टर बाहर सूखने के लिए रखा है वो सूखा है या नहीं। देख लो कितना ज़्यादा गंदगी निकल चुका है एसी से, और यही कारण होता है जो एसी ठंडा हवा नहीं देता है। और आप इसको आराम से घर बैठे हमने आराम से इसको क्लीन कर दिया, एंड आप भी बहुत ईजिली इसको कर ले सकते हो आराम से खुद से ही। मैक्सिमम 10 से 15 मिनट का आपको टाइम लगेगा। तो हमारा जो ये एसी वाला फिल्टर है ये भी अब प्रॉपरली सूख चुका है, हल्का फुल्का पानी रहता है तो ऐसा कोई इशू नहीं होता है। अब आपको सिंपली इसको इस तरह से यहाँ पर डाल कर लेना है, मतलब जैसा भी आपका सेक्शन हो उस हिसाब से बस खाली आपको यहाँ पे इसको फिट कर देना है और कुछ भी नहीं करना है। एक चीज़ मैं आपको और सजेस्ट करूँगा कि ये जो ढक्कन वक्कन होता है ना इसको भी आप एक बार क्लीन कर ही दो, बिकॉज यहाँ पर भी देखो कितनी ज़्यादा गंदगी है। एंड जो साइड है ना इसको भी आप एक बार क्लीन कर लो और उसके बाद ही आप ढक्कन को लगाओ। तो मैं सारी चीज़ों को क्लीन कर लेता हूँ और उसके बाद ढक्कन को लगा देता हूँ। तो अब सारा साफ सफाई हो चुका है, अब एसी को करते हैं ऑन। एंड अब अपने यहाँ से रिमोट को इसको भी हम लोग ऑन कर लेते हैं। तो हमारा जो एसी है भैया अब रूम को जबरदस्त वाला चिल्ड कर रहा है। सो देखा आपने एसी साफ करने का जो प्रोसेस था वो कितना ज्यादा इजी था। फालतू का हम लोग 300 400 500 रुपए ऐसे ही फेंक देते हैं। एंड देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि खुद को भी आना चाहिए यार, आएगा तो भैया किसी पर डिपेंड नहीं होना पड़ता है। तो अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक का बटन है दबा दो, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जल्दी मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप शॉपिंग।